खनि टैक्स मामलें आज आसीबो सुप्रीम कोर्ट का गुरुत्वपूर्ण राय। खनिज संपद जमी उपरे राज्य सरकार नया टैक्स पिछला भावे आदाय करिपारिबे ना सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशनामा आसीबा दिनरु आदाय करिबे। एने सुप्रीम कोर्ट को नौ जणिया संवैधानिक खंडपीठ आज राय प्रकाश करिबे। गत जुलाई 31 तारीख रे एने सुनानी शेष करी राय संरक्षित रखिथिले सुप्रीम कोर्ट। सुनानी समय रे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 62 नजीर जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय रे उपस्थापन करने सहित सबु फैसला निर्देशनामा रे जजमेंट दिनरु लागू होइतिबा जुक्ति दर्शाइथिले। तेणु खणी जमी उपरे टिकस पिछला भावे नकरी एबेठारु लागू करिबा पई से जुक्ति रखिथिले। पिछला भावे खणी जमी उपरे टिकस लागू करागले एहा द्वारा बहु खणी उपरे प्रभाव पड़ा सहित अदालत रे मामला संख्या वृद्धि हेबो बोली सुप्रीम कोर्ट को से जणाइथिले। आज नौ जणिया खंडपीठर निर्देशनामा आसीबा परे ही खणी जमी उपरे टिकस पिछला भावे लागू हेबो ना एबेठारु लागू हेबो ताहा स्पष्ट होइजिवो। विभिन्न राज्य रे थिबा खणीरु खनि टिकस राज्य सरकार माने आदाय करिपारिबे बोली एक ऐतिहासिक राय गत जुलाई 25 तारीख रे मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय देइथिबा बेले या द्वारा ओडिशा झारखंड पश्चिम बंग छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश भली राज्य लाभवान हेबे। एही मामलार सुनानी बेले ओडिशा पक्षरु आडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य सुप्रीम कोर्ट रे उपस्थित रही ओडिशा सरकार को पक्ष रखिथिले। ओडिशा रे खणी जमी उपरे टिकस आदाय पई तत्कालीन ओडिशा सरकार 2004 मसीहारे ओडिसेट आक्ट आनिथिबा बेले 2005 मसीहारे ओडिशा हाईकोर्ट एही आक्ट बेनियम बोली घोषणा करिथिले। गत 31 तारीख रे अधिकांश राज्य सरकार एवं खणी लीजधारी कंपनी नो रिकवरी नो रिफंड पाई सुप्रीम कोर्ट रे जुक्ति रखिथिले। अर्थात खणी टिकस पिछला भावे लागू नकरी निर्देशनामा आसीबा परठारु ही लागू करिबाकु अधिकांश पक्ष सर्वोच्च न्यायालय रे जुक्ति रखिथिले। आम सीनियर लीगल रिपोर्टर विभूति साहू आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती अधिक सूचना ए संपर्क में देवाई। विभूति गत जुलाई रे सुनानी बेले सॉलिसिटर जनरल कौन जुक्ति उपस्थापन करिथिले एवं ए संपर्क में ओडिशा सरकार को पक्षरु कौन जुक्ति रखा जाइथिला? देखु प्रवीण देखिए ये गोटे बहुचर्चित राय गत जुलाई 25 तारीख में आसला और जुलाई 25 तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक खंडपीठ स्पष्ट करिथिले जे राज्य सरकार माने खणी जमी उपरू टिकस आदाय करिपारिबे एवं ये राय द्वारा अनेक राज्य निश्चित रूपे लाभवान हेबे। ओडिशा समेत झारखंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश भली राज्य या द्वारा लाभवान हो पारे। तेरे से दिन ये प्रसंग उठिता जे ये टिकस पिछला भावे लागू हेबो ना राय आसवा दिन ही लागू हेबो एवं यार तारीख धार्य होता जुलाई 31 तारीख। जुलाई 31 तारीख में पुणी सांविधानिक खंडपीठ से मामला आसला और मामलार शुणी बेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 62 नजीर जजमेंट उपस्थापित करते सर्वोच्च न्यायालय से दर्शाई ये जजमेंट आसवा दिन ही मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय जिते जजमेंट देते लागू होता है ए क्षेत्र में लागू करने से जुक्ति दर्शाई एवं खणी जमी उपर जो टिकस राज्य सरकार माने लागू करिवे ता द्वारा यदि पिछला भावे लागू होउची ताहाले खणी कंपनी उपर गोटे बड़ बोझ हबो। अनेक खणी कंपनी देवाड़िया स्थिति आसीबे एवं ओडिशा सरकार पक्षरु ओडिशार जे आडवोकेट जनरल अछंती वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य से मध्य जुक्ति रखिथिले। से विशेष भावे सॉलिसिटर जनरल जुक्ति को समर्थन दबा सहित कहते जे या द्वारा मध्य ओडिशा लाभवान हो पार तेणु ओडिशार आवश्यकता रही सबु जुक्ति जब आप देखिए यदि खणी कंपनी किसी जुक्ति रखी विभिन्न राज्य सरकार से जुक्ति रखी विशेष भाव जी आप देखिए एबेठारु खणी आदाय मध्यप्रदेश राजस्थान जो जुक्ति रखी पिछला भाव लागू। बिल्कुल विभूति ये दुईटे बिंदु उपर समस्त नजर रहिबो। खनिज संपद जमी उपर राज्य सरकार नुआ टैक्स पिछला भावे आदाय करिपारिबे ना सर्वोच्च न्यायालय निर्देशनामा आसीबा दिनरु आदाय करिपारिबे एनी खनि टैक्स मामलें आज आसीबो सुप्रीम कोर्ट कर गुरुत्वपूर्ण राय। आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद अधिक सूचना पई विभूति साहू आम सीनियर लीगल रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते आमको अधिक सूचना दूसरे।